जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एक शानदार और धमाकेदार स्टॉक जिसका नाम है टपारिया टूल्स। टपारिया टूल्स शेयर मार्केट में काफी चर्चा में रहने वाला स्टॉक है। बहुत से लोग, खासकर जो रिटेल निवेशक हैं आपके और हमारी जैसी, इस स्टॉक को लेकर काफी उनमें एक दीवानगी सी रहती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये एक ऐसा कह सकते हैं कि मिठाई के जैसा जो मिलता नहीं है, और सबको इसको पाने के लिए ललायत रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये इजिली आम आदमी के हाथों में ये स्टॉक आता नहीं। सब कोई इस स्टॉक के, इस कंपनी के शेयर को बाई करना चाहते हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोग होते हैं जिनको ये कंपनी के शेयर मिलते हैं। दिक्कत ये है कि ये जो शेयर है ये इजिली कोई बेचना नहीं चाहता है जिसके पास है। और हम सभी जानते हैं कि मार्केट में जो शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो लिमिटेड होते हैं। कुछ करोड़ शेयर्स ही मार्केट में होते हैं, और जब ये पूरे शेयर्स में से यदि एक भी शेयर्स कोई बेचे नहीं, तो जो न्यू बायर से कोई नया व्यक्ति बाई करना चाहे तो उसको शेयर्स मिलेगा नहीं। तो यही दिक्कत है कि एक तो ये कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है, और इस चक्कर में लोग इसको बाई करना चाहते हैं लेकिन कोई बेचना ही नहीं चाहता, क्योंकि लोगों की कमाई हो रही है। एक तो शेयर के प्राइस बढ़ने से प्लस डिविडेंड के मिलने से कोई बेचेगा नहीं, तो नए व्यक्ति को इस कंपनी के शेयर मिलते नहीं है। ये इस स्टॉक के साथ खेला चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा ट्रिक आजमा सकते हैं इस कंपनी के शेयर्स को मतलब बाई करने के लिए, कैसे आपको इस कंपनी के शेयर्स मिल सकता है। आपके पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है, नहीं है तो कैसे और कहां पे आपको बाई करना ठीक रहेगा। शुरुआत शुरू से करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो कंपनी है ये काम करती है, आपको हैंडमेड टूल्स बनाती है, जैसे जो औजार वगैरह होते हैं वो ये कंपनी काम करती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि औजार बनाने वाली ये एक ही कंपनी है, लेकिन इस तरह के काम करने वाली इकलौता अभी तक मेरे जानने में ये कंपनी है, खासकर बिनेशो की बात करें जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। छोटी सी कंपनी जो इस सेक्टर में काम करती है, और ये काफी अच्छा सेक्टर है। ऐसा नहीं कि इस सेक्टर का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर पहले भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि काम काफी शानदार है। तो इसलिए फ्यूचर के यहाँ पे भी कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आने के चांसेस रहेंगे। प्लस जो चीज मैंने आपको बताई, मैं आपको BSE की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, वहां पर आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, अभी हम लोग आए हैं BSE इंडेक्स वेबसाइट पर, और यहाँ पे मैंने टपारिया टूल्स लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। सबसे कमाल की बात है कि इसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना तो ये कंपनी ASM ना ही GSM की कैटेगरी में है। अब नीचे आएंगे कॉर्पोरेट एक्सेंस में, तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी लगातार आपको सालों साल डिविडेंड देते हुए नजर आती है। यहाँ पे देखेंगे तो डिविडेंड के साथ साथ और भी इसमें कॉर्पोरेट एक्सेंस होते हैं, जैसे कई बार इसमें क्या होता है, बोनस इशू आ गया, बोनस भी मिलते रहता है समय समय, पिछले साल बोनस मिला था, डिविडेंड तो हर साल मिलता है। यहाँ पे देखेंगे एक लंबा चौड़ा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा कंपनी के डिविडेंड का, यानी कि डिविडेंड देने के मामले में कंपनी पीछे नहीं रहते। और डिविडेंड भी देखिए कितने रुपए, 77 रुपए, 52 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, यानी कि कंपनी का जितना शेयर प्राइस है उससे ज्यादा तो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। तो यही वजह है कि जो लोग जिनके पास इस कंपनी के शेयर है वो बेचते नहीं है, क्योंकि कमाई भले शेयर के प्राइस ज्यादा बढ़े या ना बढ़े, लेकिन डिविडेंड तो मिल रहा है उनको, डिविडेंड उनकी कमाई ज्यादा हो रही है, इसलिए कोई नहीं बेच पा रहा। हालांकि आप इसको बाई कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, मार्केट डेप्थ में जाएंगे, हालांकि अभी तो मार्केट बंद है तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, वरना मैं आपको यहाँ पे दिखाता। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में मार्केट डेप्थ में जाएंगे, वहां पे जो बिड प्लेस होता है उसके अनुसार आप अपनी क्वांटिटी को मतलब बिड लगाइएगा, और वहां पे जो उतने भी क्वांटिटी सेल साइड के लिए लगे होंगे, यदि आपका नंबर आएगा तो आपको इजीली वो शेयर्स, इस कंपनी के शेयर्स अचीव हो जाएंगे। अब बात करें कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की, तो आप देखेंगे जब से ये स्टॉक चलना शुरू है पिछले साल की जून जुलाई से, तब से अभी तक बीच में कहीं भी नहीं रुका, और कंपनी का शेयर लगता है रॉकेट की तरफ ऊपर ही जा रहा है। जहां से चलना शुरू हुआ, देखिए तकरीबन कह सकते हैं कि जीरो से उठना शुरू हुआ था, और जीरो से उठ के अभी कंपनी का शेयर प्राइस 5 रुपए के आसपास तक आया है। मतलब एक साल में आपको 5 गुना का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है, गजब कमाई कराई इस स्टॉक ने। आपका पैसा 5 गुना बन गया है एक साल के अंदर, इतना हेवी रिटर्न्स आपको शायद बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसी होता है उसमें भी नहीं मिलता, ये सिर्फ शेयर मार्केट में मिलता है। जरूरी होता है कि एक अच्छे स्टॉक्स को पहचाना जाए। इसमें मैं कभी नहीं देखा हूं कि इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है, सामान्यतः इस स्टॉक में ज्यादातर अपर सर्किट ही लगता है, और अपर सर्किट जिस दिन नहीं भी लगता है फिर भी उस दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको ऊपर ही जाता है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं ऑपरेटर्स हैं इसमें, ऑपरेटर्स कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है कि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें ज्यादातर जो कंपनी के मालिक हैं उनके ही लोग इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें ऑपरेटर्स नहीं कहेंगे। जाहिर सी बात है जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स आप भी बन सकते हैं, आप पहले शेयर्स बाई तो कीजिए, आपको शेयर्स दिक्कत है कि मिलता नहीं है। पब्लिक के पास देखेंगे तो सिर्फ 30% हिस्सेदारी है, और प्रमोटर्स के पास तकरीबन 70% की हिस्सेदारी, यानी कि जो मेजर हिस्सेदारी है प्रमोटर्स के पास है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। गवर्नमेंट का नियम है, सेबी का ये रूल है कि कम से कम 75% तक ज्यादा से ज्यादा शेयर्स जो कंपनी के मालिक अपने पास रख सकते हैं, यहाँ तो 75% से कम ही है, तो कोई इसमें ऑपरेटर्स वाला गेम नहीं है। और ऑपरेटर्स देखेंगे तो हर एक स्टॉक में होते हैं। ओवरऑल बात करें तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स भी काफी बढ़िया है। कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं, नंबर भी देख लीजिए, नंबर काफी शानदार आए हैं। क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट आए कंपनी को उसमें तो इसने गजब कर दिया, 220 करोड़ का सेल्स हुआ पिछले कुछ, अभी तक जितने भी क्वार्टर्स के नंबर आए सब में अब तक सबसे ज्यादा हुआ है मार्च क्वार्टर
रिजल्ट में, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जबरदस्त तरीके से आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल बात यह है कि कंपनी का काम भी शानदार है, फंडामेंटल भी बढ़िया है, और जैसे मैंने बताया कि रॉकेट की रफ्तार से शेयर तो बढ़ रहा है, साथ में कंपनी के शेयर प्राइस में अलग से आपको कमाई के मौके मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनी डिविडेंड भी समय समय पर देती रहती है। तो आपके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं है तो बाई करने के बारे में जरूर सोचिए, कैसे भी इस कंपनी के हाथ से ले लीजिए। और भी आपके मन में कुछ सवाल है इससे रिलेटेड तो कॉमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।